जय हिंद फ्रेंड्स दिस इज अर एंड वेलकम बैक टू क्रैक एग्जाम्स फाइनेंस कमिशन ऑफ इंडिया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यानी जिनका जिक्र डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में है और जो अपनी पावर और अथॉरिटी डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ही लेते हैं अब कई बार भी मैंने अपने लेक्चर्स में बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऐसे बॉडीज हैं जो इंडिया के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत ही जरूरी है तो आज के इस लेक्चर में हम उन्हीं फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट से एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि वे द टाइम वी एंड दिस लेक्चर ए टू जेड जो कुछ भी डाउट्स आपके फाइनेंस कमीशन को लेकर है वो सभी क्लैरिफाई हो जाएंगे तो आइए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला एमसीक्यू यहाँ पर पूछा जा रहा है कि फोलोइंग चेयरमैन आर्टिकल 280 हमें प्रावधान देता है सेंटर uh, और स्टेट के बीच फिजिकल फेडरलिज्म को एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाने की कोशिश करता है सो इज दैट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेकिन नाम जो है वो कैबिनेट द्वारा आते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही उन्हें सजेस्ट करते हैं रिमेम्बर अपॉइंटमेंट अंडर दील अंडर देश होता है प्राइमरी फंक्शन ऑफ फाइनेंसॉमिकट बजट एलोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड फॉरन पॉलिसी फॉर्मुलेशन इकोनॉमिक प्लानिंग वगैरह हम देखें तो प्लानिंग कमीशन का काम है जो की अब नहीं है नीति आयोग ने ओवरटेक किया हुआ है

ये कई बार सवाल बच्चों के दिमाग में आता है देखिए कोई भी कमीशन हो चाहे वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो इलेक्शन कमीशन हो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो या फिर फाइनेंस कमीशन भी क्यों ना हो जो कुछ भी ये रिपोर्ट्स देते हैं वो रिकमेंडेटरी इन नेचर होते हैं यानी कि अल्टीमेटली भारत सरकार के हाथ में या भारत सरकार का डिसीजन होता है कि उन्हें एक्सेप्ट करें या ना करें

अगर सच बताऊं तो ये चारों के चारों ऑप्शन गलत ही हैं देखिए यहाँ पर प्रावधान वैसे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में दिया गया है कि जब भी जरूरत पड़े रिमेंबर अगेन जब भी जरूरत पड़े वो फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं लेकिन एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ फाइव ईयर्स यानी कि मिनिमम फाइव ईयर्स के, के इंटरवल आपको मेंटेन करके उसके बाद फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि नहीं भाई बीच में ही मुझे बिठाना पड़ेगा तो वो भी कर सकते हैं

करेक्ट आंसर इज एक्चुअली भाई बी रेडी जी जो थे वो 14 के रहे हैं। और सेकेंड जनवरी टू थाउजेंड थर्टीन को ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ और इसके रिकमेंडेशन जो है वो अप्रैल टू थाउजेंड फिफ्टीन से फोर्स में आए हुए थे so, 15 से 2020 तक हम कह सकते हैं और उसके बाद 15 फाइनेंस कमीशन नंदकिशोर सिंह जी एन के सिंह जी बने हुए थे फॉर 2020 थाउजेंड टू टू और अभी आने वाला जो 16 फाइनेंस कमीशन है वो 2026 से लेकर 2031 तक के लिए हमने उसका टर्म करार किया हुआ है

तो ये बहुत ही अच्छा पुश यहाँ पर फिजिकल फेडरलिज्म को दिया हुआ था कई सारे स्टेट्स लगभग सभी स्टेट्स ने खुशी से इसके रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया हुआ था अब देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत ये भी क्लैरिफ बता दूं कि फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग इंडिपेंडेंटली काम करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्हें अपॉइंट करते हैं लेकिन वो फेयर तरीके से काम करता है इम्पार्शियल तरीके से काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट का वहाँ पर नहीं होता हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने, को, अपने, हो, या फिर अपने तमाम जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं वो रिस्पेक्टिवली भी अपने 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 रिकमेंडेशन या एडवाइजर्स फाइनेंस कमीशन को देते हैं इन सभी चीजों को मद्देनजर रख के ही जो स्पेसिफिकली जो कुछ भी डिसीजन लेना है वो कलेक्टिवली फाइनेंस में लिया जाता है और अल्टीमेटली रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को की जाती है। तो ये ट्वेल्थीन और कमीशन ये वाई रेड्डी जी द्वारा जो हिट किया गया था 14th वालों ने ही इसे सजेस्ट किया हुआ था मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन दट है स्टेट एलोकेशन ऑफ फाइनेंस टू भाई पंचायती राज के लिए भी एक स्टेट फाइनेंस को आपको स्टैब्लिश करो ताकि वहाँ पर हो जाए ये पहली बार किस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया हुआ था इज एट राज अरुण जेटली कमेटी गार्डगिल कमेटी या सरकार या कमीशन अब थोड़ा बहुत पुराना ही यह मामला है इट इज एक्चुअली गार्डगिल कमेटी देखिये अगेन में आपको बता दू

डिसाइड करेगा यानी कि सेंटर लेवल पर सेंटर फाइनेंस कमीशन स्टेट लेवल पर स्टेट फाइनेंस कमीशन द फाइनेंस कमीशन प्राइमरी डील्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी किस चीज से डील करता है सेंट्रल टैक्सेस स्टेट टैक्सेस म्यूनसिपल टैक्सेस और कॉरपोरेट टैक्सेस नो डाउट सबसे ज्यादा जो आमदनी है वो सेंट्रल टैक्सेस की ही है डायरेक्ट ज्यादातर टैक्सेस हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर चाहे वो इनकम टैक्स वगैरह हो ऐसी सभी चीजें सो सेंट्रल टैक्सेस के डिस्ट्रीब्यूशन से ही फाइनेंस कमीशन प्राइमरली डील करता है लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी टैक्स वगैरह आते हैं उन्हें डिवोल्यूशन के बारे में भी डिस्कस करता है नेट प्रोसीड्स के बारे में भी डिस्कस करता है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड भी रिकमेंडेशन करता है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किसी भी चीज़ के बारे में एडवाइस चाहिए एज फार एज फिजिकल नेचर ऑफ दैट इज कंसर्न तो वो भी यहाँ पर उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं उस पर भी फाइनेंस कमीशन जरूर सोचेगा आगे बढ़ने से पहले दो वर्ड्स के बारे में मैं आपको डिफरेंस बता दूँ एक है फिजिकल दूसरा है मॉनिटरी कई बार हम इसे इंटरचेंज करके इस्तेमाल करते हैं बहुत गलत चीज़ है दोनों में बहुत ही ज़्यादा फर्क है आपको ब्रीफली अगर मैं क्रूड भाषा में बताऊं तो सेंट्रल बैंक या आरबीआई बी जहाँ कहीं पर भी आएगा वहां पर आपको टर्म मॉनिटर इस्तेमाल करना पड़ेगा और जहां कहीं पर भी फाइनेंस मिनिस्ट्री आएगी चाहे वो स्टेट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की वहां पर फिजिकल आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा तो फिजिकल पॉलिसी जो है वो दिन का सरकार जो है फॉर दैट प्रेजेंट डे सरकार क्या है उसकी नीति क्या है यू नो फाइनेंस से रिलेटेड उसे हम फिजिकल कहेंगे वही आरबीआई से रिलेटेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो कुछ भी डिसीजन लिया जाएगा दैट विल बी तो चाहे वो फिजिकल हो मॉनिटरी हो दोनों का स्पेसिफिक यही है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिया में मेंटेन की जाए द फाइनेंस कमीशन इट्स रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ही उन्हें अपॉइंट किया हुआ है

मैं अगर कॉम्पोजिशन बताऊं फाइनेंस कमीशन का तो करेंटली एक चेयरमैन है प्लस फोर पर होते हैं ठीक है थीके? अब क्लियर कट कोई क्राइटेरिया तो यहां पर नहीं दिया गया लेकिन यहां पर पूछ रहा है कि दिए गए हुए चार मेंबर्स में से एक मेंबर को क्या होना चाहिए मैं आपको बाकी के चार के बारे में भी बताऊंगा इज एट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और वन क्वालिफाइड टू बी याद रखिएगा अटॉर्नी जनरल में भी दरअसल इसी तरीके का एक क्वालिफिकेशन रखा गया है कि ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और अ जज ऑफ हाई कोर्ट और वन क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और वन क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और वन क्वालिफाइड टू बी सो बाकी के दिए गए हुए चार मेंबर्स में से इट शुड बी अ जज ऑफ़ हाई कोर्ट और वन क्वालिफाइड टू बी तो ऐसे एक पर्सन को यहाँ पर मेंबर की तरह रखना चाहिए एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक ऐसा पर्सन जिसके पास स्पेसिफाइड नॉलेज हो फाइनेंस की अकाउंट्स की खासकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और साथ ही साथ एक ऐसा पर्सन जिसे वाइड एक्सपीरियंस हो फाइनेंशियल मैटर्स और एडमिनिस्ट्रेशन की और पर्सन जो स्पेशल नॉलेज रखता हो इकोनॉमिक्स की तो ऐसे लोगों को ही कंसिडर करके यहाँ पर अपॉइंटमेंट दिया जाता है लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ फाइनेंस का है तो फाइनेंस ही रिलेटेड ही होंगे नहीं एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी हैं तो नो डाउट उन्हें ले सकते हैं बेस्ट एग्जाम्पल आप एन सिंह जी ले स so, दिया जाता है और ये भी ऐसा कोई रूल यहाँ पर नहीं है कि भाई हर हाल में को ही अपॉइंट करेंगे अल्टीमेटली इट इज टू दैबिनेट एंड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू सजेस्ट एंड अपॉइंट में

अब स्टेट फाइनेंस कमीशन को हाँ आगे बढ़ने से पहले बता दो स्टेट फाइनेंस को नो no हैं और वहाँ पर भी Minister, के साथ डिस्कस करके उनके नामों को रिकमेंड करते हैं डैश प्रोवाइड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट फाइनेंसूश एंड अर्बन लोकल बॉडीज इज दट आर्टिकल टू फोर्टी टू टू फोर्टी थ्री और टू फोर्टी फोर करेक्ट आंसर इज आर्टिकल टू फोर्टी फोर तो 73rd और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से डील करता है और आर्टिकल टू फोर्टी थ्री वाई जो कि अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में डील करता है और दोनों को हमने ये दी स्टेट गवर्नमेंट वालों को कि भाई आप हर पांच साल में एक बार स्टेट फाइनेंस कमीशन को बिठाए ताकि आप जो कुछ भी इंपॉर्टेंट से टैक्स प्रोसीड्स का डिवोल्यूशन हो रेवेन्यू का शेयरिंग वगैरह हो ये सभी आप एक दूसरे के बीच डिसाइड कर सके सो सी आर्टिकल 243 फोर्टी थ्री इज द राइट आंसर रिमेम्बर स्टेट लेवल पर 243, सेंटर लेवल पर आर्टिकल 280

देखिए महज टैक्स प्रोसीड्स का डेवोल्यूशन रेवेन्यू शेयरिंग ही नहीं कई बार होता क्या है कि ग्रांट इन एड्स भी हमें प्रोवाइड करना पड़ता है जो स्पेसिफिक से स्टेट्स हैं चंद स्टेट्स बैकवर्ड हैं चंद स्टेट्स को पैसों की जरूरत है चंद स्टेट्स में कई इंपॉर्टेंट से पॉलिसीज़ और प्रोग्राम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट से स्कीम्स वगैरह वहां तो पर इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं तो नो डाउट सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ता है सो उससे रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट सा इन्फॉर्मेशन या रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन हमें बता देता है तो ग्रांट इन एड्स भी किस तरीके से दिए जाएंगे कैसे कैसे क्राइटेरिया यहा पर मेंटेन करने चाहिए जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकता है कि कौन से एरिया को या कौन से स्टेट को या कौन से जोन या कौन से रीजन को कितनी मदद देनी चाहिए आ, उन सभी के बारे में भी फाइनेंस कमीशन सजेस्ट करता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ टैक्सेशन इज दट सेल्स टैक्स कस्टम्स ड्यूटी एक्सरसाइज ड्यूटी और इनकम टैक्स एंड द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली इनकम टैक्स डायरेक्टली एक इंडिविजुअल पर ही इम्पोज किया जाता है वही इसे रेगुलरली पे करता है वही इन टैक्स की बात करें तो यहाँ पर नाम किसी और, का होता है, पेमेंट किसी और के द्वारा डायरेक्ट नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्सोइंग डायरेक्ट टैक्स कैटेगरी कस्टम्स टैक्स सर्विस टैक्स एक्सरसाइज टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफकोर्स प्रोपर्टी टैक्स जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है वही यहाँ पर पे करेगा बाकी के पूरे आप देख लो इंसिडेंस एक तरफ एक पर्सन या किसी एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन कोई और होता है और पेमेंट ऑफ टैक्सेशन किसी और के सर पर होता है सो डी इज द द राइट आंसर नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ फर्स्ट फाइनेंस कमीशन अब तक जैसे कि मैंने कहा कि सोलह सिक्सटीन फाइनेंस कमीशन करेंटली चल रहा है तो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे इज दट वाई वी रेड्डी नंदकिशोर सिंह रघुराम राजन या के सी नियोगी एंड द करेक्ट आंसर इज

Composition है इन रेयर केसेस ऑफ मिसकंडक्ट और द डैश रिमूव मेंबर फ्रॉम द फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखिए अगर हम इलेक्शन कमिश्न ऑफ इंडिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बात कर रहे हैं या फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बात बारे में बात कर रहे हैं उन्हें रिमूव या इम्पीच करने के लिए नो डाउट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की मदद हमें चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस की भी जब हम बात करते हैं ठीक है ये सभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ही हैं और इनकी इंटीग्रिटी इनकी गरिमा बहुत ही ज्यादा है तो इसीलिए उन्हें रिमूवल का प्रोसेस भी बहुत ही टफ रखा गया है अब देखिए फाइनेंस कमीशन भले ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों ना हो लेकिन यहाँ पर रिमूविंग प्रोसीजर बहुत ही आसान है बहुत ही आसान है अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि कोई स्पेसिफिक पर्सन चाहे वो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी क्यों ना हो उन्होंने मिसकंडक्ट किया हुआ है या फिर इन में उन्हें पाया जा रहा है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके उन्हें रिमूव किया जा सकता है उससे ज़्यादा और भी पार्लियामेंट के पास जाना या किसी ना सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की इंक्वायरी वगैरह बिठाना इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जब भी चाहे फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हो या मेम्बर्स हो वो वॉलेंटरीली वो रिजाइन भी कर सकते हैं डेथ होने पर भी वैकेंसी आ सकती है और उन्हें रिमूव भी किया जा सकता है अल्टीमेटली यहाँ पर कैबिनेट ही डिसीजन लेता है सो so, कैबिनेट के रिकमेंडेशन को ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मानते हैं ियास चेयरमैन रह चुके हुए नीति आयोग के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में करंटली प्रोफेसर की तरह काम कर रहे हैं सो ही इज चेयरमैन ऑफ been requested to make its report available by टर्म्स ऑफ कंडीशन टर्म्स ऑफ रेफरेंस देने के बाद उनसे एक स्पेसिफिक डेट भी दिया जाता है कि भाई इस स्पेसिफिक ट्रेशोल्ड डेट के पहले ही आप अपनी रिपोर्ट सबमिट करने की कोशिश कीजिएगा सो इज दैट थर्टी फर्स्ट ऑफ जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी थर्टी फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट ट्वेंटी 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 और टर्म uh, होगा का फ्रॉम टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी अब एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट भी फाइनेंस कमीशन वालों को मिलती है और वहीं पर उनका पूरा काम होता है और टर्म जब तक कंटिन्यू होता है उसी तरीके से मेंबर्स और चेयरमैन भी कंटिन्यू करते हैं और जैसा ही नया फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होता है ये मेंबर्स ऑटोमेटिकली प्लेस को वकेट करते हैं और नए मेंबर्स और चेयरमैन वहां पर ऑक्यूपाई करते हैं ऑफ द फॉलोइंग फॉलिंग चेयरमैन ऑफ फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन देखिए कई बार एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं सो इज दैट वाई वी रेड्डी ब्रह्मानंद रेड्डी एन के सिंह और महावीर त्यागी एंड द करेक्ट आंसर इज एन के सिंह नंदकिशोर सिंह जी जो थे वो फाइनेंस कमीशन फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे कई सारे इंपॉर्टेंट से इश्यूज को फाइनेंस का फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन वालों ने डील किए हुए थे खासकर जो कि जीएसटी का इंट्रोडक्शन हमने किया हुआ था डेवलशन ऑफ द स्टेट्स कैसे रिकमेंड वगैरह होगा और क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर को इम्प्रूव करने की भी यहाँ पर सजेशन दी गई थी और फिजिकल सस्टेनेबिलिटी के इश्यूज भी यहाँ पर एड्रेस करने की कोशिश की गई थी सो एन के सिंह इज द राइट आंसर फॉर दैट महावीर त्यागी वाज चेयरमैन ऑफ डैश फाइनेंस वाज दैट सेकंड फाइनेंस एंड द करेक्ट आंसर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर भी रह चुके हैं महावीर त्यागी जी सो फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन वो थे और टर्म जो थामेंडेशन का वो 1970 से लेकर 1975 के लिए था

एन डी ए सी डी एस एफ कैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एस एस बी क्रैक एग्जाम के कोर्स को चेक करना ना भूलें आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं